नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़े ही जोश के साथ बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची को पदभार ग्रहण करवाया। अंकित चेची ने भी विधि विधान से युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करते ही अंकित चेची को राजस्थान पुलिस की लाठियां खानी पड़ गई। आपको बता दें कि जयपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची पदभार ग्रहण कार्यक्रम के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीधे ही मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने पहुंच गए। तभी युवा कार्यकर्ताओं पर राजस्थान पुलिस ने लाठीचार्ज करना चालू कर दिया। जानकारी के अनुसार अंकित चेची ने पद ग्रहण करते ही अचानक से बिना किसी को सूचित किए मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर दिया था और इसको देखकर पुलिस प्रशासन ने निर्णय लिया। पुलिस प्रशासन में अचानक से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया। पुलिस और इंटेलिजेंस के अधिकारी इस अचानक हुए घेराव को लेकर काफी ज्यादा तनाव में भी नजर आए थे। युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया और इसके बाद में सोडाला थाने में ले जाया गया। आपको ये भी बता दें कि कई कार्यकर्ताओं को गहरी चोट भी आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मामले में सरकार की कड़ी निंदा की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ट्वीट कर लिखा कि भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर उन्हें हिरासत में लेना, पुलिस थाने में फिर से कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना कांग्रेस सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी लिखा कि कांग्रेस सरकार ने भाजयुमो की प्रदेश टीम पर लाठीचार्ज करवा कर तानाशाही का विरोध करने वालों को डराने की एक और शर्मनाक कोशिश की है। पुलिस का काम इतना भर रह गया है कि विपक्षियों की निगरानी करो, उनसे बर्बरता करो और जेल में डाल दो। राजस्थान में लोकतंत्र लाठियां खा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा लगातार गहलोत सरकार को कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अत्याचार, रेप और करप्शन के मुद्दे पर घेरने का काम कर रही है। पुलिस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज पर आपके विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।